बहुत बहुत बड़ी खबर, ठीक है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी अपडेट के बारे में एक आपको जानकारी देंगे कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही गजब की अपडेट आई है। क्या अपडेट आई है? अब 10वीं पास भी लेंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन। जी हाँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इससे पहले जो क्राइटेरिया होती थी वो कम से कम 12वीं पास होती थी, लेकिन एक नई अपडेट आई है और यह अपडेट है कि अब 10वीं पास भी लेंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन। ठीक है, तो किस चीज़ में एडमिशन लेंगे, उसका आवेदन कब से चालू होगा और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ये सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल से देंगे। एक साल का यह कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को 10वीं के बाद कर लेते हैं तो आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो को अब पूरा समझते हैं। तो देखिए, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम है CSJMU, ठीक है, मतलब छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में यह एडमिशन होगा। यहाँ पर एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, मतलब यह जो एडमिशन 10वीं पास वाले बच्चों को यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा, ये एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो सर्टिफिकेट कोर्स एक साल का होगा। किस विभाग में होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट विभाग में एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। किस सत्र से यह प्रारंभ होगा? इसी सत्र से, जो अभी सत्र लगा है इसी सत्र से यह प्रारंभ होगा। कौन कौन से कोर्सेज हम इस मतलब कि सर्टिफिकेट कोर्स में कर सकते हैं? तो देखिए, डिप्लोमा आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं आप, ठीक है, अप्लाइड आर्ट्स के तहत आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं, 3D एनिमेशन कर सकते हैं, स्पल्चर में ऐसे में सेरेमिक कर सकते हैं, टेरोकोटा और 3D मॉडलिंग भी आप यहां से इसका कोर्स ले सकते हैं। अब रही बात आवेदन कब से चालू होगा, तो आवेदन जल्द ही चालू किया जाएगा। और अगर आपको इसके डिटेल के बारे में जानना है तो आप CSJMU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। और यह खबर अमर उजाला के आज के न्यूज़ में छापी गई थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।